हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नाश्ते की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है और इसे आप अगर एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए आप बार बार बनाना पसंद करेंगे और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। ये झटपट नाश्ता 10 मिनट में रेडी हो जाता है और किचन में पड़े कुछ सामान से ही इसे हम बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, जिसके लिए दो ब्रेड के स्लाइस को ऐसे मैं टुकड़े करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ 1 कप पोहा। ये नॉर्मल पोहा लिया है जो हमारे घर में आता है, वही पोहा यूज़ करना है। फिर उसमें 1 पानी हम पोहे को धो लेंगे और पानी छान के इसे 5 मिनट हम भीगने देंगे कि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर उसमें डाल रही हूँ 1 नॉर्मल प्याज को, नॉर्मल साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसे डाल रही हूँ। उसी के साथ 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। उसी के साथ डाल रही हूँ थोड़े से ये कड़ी पत्ता जिसे मैंने टुकड़े में काट लिया है। उसी के साथ बहुत सारा हरा धनिया डाल रही हूँ और उसी के साथ डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन से, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ नमक डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद फिर उसमें हम ब्रेड क्रम्स को डालेंगे और उसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ। पोहा और ब्रेड क्रम्स होने की वजह से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और इसमें हमें इसे मिक्स करने के बाद डो बनाते समय बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पोहे में पानी रहता है, वही अच्छी तरह से बाइंडिंग उससे हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे डो बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट हाथ में लेंगे और अपने पसंद के हिसाब से, जैसे आपको छोटा बड़ा नाश्ता बनाना हो वैसे आप इसे बना सकते हैं और उसका शेप भी दे सकते हैं। मैं नॉर्मल इसे राउंड शेप दे रही हूँ। इस तरह से हम सभी नाश्ते को रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी नाश्ता रेडी कर लेना है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तेल अच्छा गर्म हो जाने के बाद फिर हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे फिर उसमें हम नाश्ते को डालेंगे। फिर 2 मिनट के बाद इसका हम साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से ही हमें इसे अलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, नहीं तो हमारा नाश्ता अच्छा फ्राई नहीं होगा, उसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। तो इस तरह से अलट पलट के हम नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में ही देखिए हमारे नाश्ते में बहुत प्यारा कलर आ गया है और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे मैं तेल में से निकाल देती हूँ और इसी तरह सभी नाश्ते को हम फ्राई कर लेंगे। रेडी है हमारा पोहे का नाश्ता। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी ये नाश्ता झटपट बन जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ बेल का भी बटन ज़रूर दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली लेटेस्ट सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.